subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। हाँ भैया, वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे जी। आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया, नाम हमारा ऐसे ही खराब है। कौन सा फोन लेकर गए थे का? अच्छा, आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या, 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 हम जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क सब भैया, हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते है ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा है द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है, गर्लफ्रेंड ठीक है लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम मान लेते, ये दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, सात दिन से लगातार हो रहा है, 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। सात दिन तो अभी पता लगा तुम्हें, ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं, और किसी से बात कर रहे? किसी और से नहीं बात कर रही है, हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है, हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। आप उस पर लांछन लगा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये? हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोले बेबी क्या हुआ बेबी, तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी, लगा नहीं। ओ भाई, ओ सुन सुन सुन, हाँ कटवा रहा है तू अपना। क्या बोले? झूठ बोल रही है, किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप, थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है, बेबी सोना सुन। भैया एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड। तू बिल्कुल ही नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। हेलो, बात क्या है? मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही है, सुन लिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं बना रही हूँ। अरे तू पागल है क्या, लाउड स्पीकर बोल के बंद। तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है, तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। दीदी हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है, गाय हम बता रहे आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आप ठीक हो, आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना, ठीक है? कहा है? अरे मतलब फोन मत समझाओ भाई, छोड़। हंस रहा? प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई। हेलो, पियाली से बात हो रही है हमारी। हाँ, यू आर इनटू मॉडलिंग राइट? यस। पियाली आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम एजेंसी एंड देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट व्हिच इज कमिंग अप एंड उसके लिए हमें कुछ मॉडल्स चाहिए थी एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव गॉट इन टच विद यू। That's great. Can I know what this is about? Right. इसमें ना पहला सीन ऐसा है कि आप जिस शूट के लिए आएंगी तो आपके ऊपर में बहुत सारे लोग झपट पड़ेंगे, एकदम दंगल वंगल टाइप में होगा, तो हो सकता है उसमें आपके कपड़े थोड़े इधर उधर से फट जाएंगे, बिकॉज जो लुक हमें चाहिए ना वो काफी रगेड लुक है। अच्छा, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये ओके, व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू? उसके बाद का कुछ राइट है? हाँ जी, उसके बाद में ऐसा है कि एक पॉन्ड है। अच्छा। पॉन्ड में आपको खड़ा रहना पानी के अंदर। ऐसा कोई सीन है क्या, वेयर आई हैव टू वेयर अ स्विम सूट एंड ऑल दैट? नहीं नहीं नहीं, आप तालाब के पानी में रहेंगे और उसमें दिखाई भी नहीं देता क्योंकि तालाब का पानी थोड़ा गंदा रहता है, मिट्टी कीचड़ वगैरह लगेगा आपके शरीर में। ये कैसा टाइप का शूट है? As in, the thing is that you know it is titled गई भैंस पानी में। एक्सक्यूज मी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसा टाइप का शो है फिर? हमें एक्चुअली पानी में भैंस दिखानी है, लेकिन तो मैं आपको भैंस लगती हूँ, मेरा टीवी देख के आपको मेरे को भैंस दिखा? हम लोग अगर रियल भैंस दिखाएंगे तो वहाँ पे लाइट्स वाइट्स का भी इस्तेमाल होगा ना, तो पीटा वाले बोलेंगे कि जानवरों पर लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज जस्ट टाइटल्ड गेट सम गर्ल्स हु आर गोना बी मॉडल्स और उन लोगों को भैंस बना दो। कैसा कंपनी है ये, कहाँ का कंपनी है ये? ये सवाल आप अब पूछ रही है, हमारा इतना टाइम बर्बाद करने के बाद में आप पूछ रही है? डू यू नो हाउ बिग एन एजेंसी we are? I don't care what an agency this is. If you're calling your models bhais, then kaisa agency hai ye? Kahan ka agency hai ye? If you're not comfortable, then let us know on our face. Koi nahi karne wala aapke liye. Dekho, ye shoot hoga, proper shooting hogi iski, ye TV par aayega. Main aapki jankari ke liye bata dun, ye Discovery Channel aur Animal Planet pe aayega. Animal Planet ke liye? Aapko dikhaya jayega. Bhaiso ki zindagi mein bahut takleef hoti hai. Aap sachi mein itna time waste kisi ne nahi kiya hai. भैंस वो प्राणी है जो गर्मी लगने पर पानी के अंदर चला जाता है, बस उसी डे में आपको ऐसे वॉक करके आई एम वेस्टिंग माय टाइम एट वर्क।
ये बात करने के लिए कि मैं मॉडल बनूंगी और आप उनको भैंस बुला रहे, बोले कि मैं एनिमल पैरेंट में आऊंगी। और वॉइस ओवर आएगा पीछे, भैंस आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहा होता है, पानी के अंदर उसके शरीर की कोशिकाओं में। आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस। अरे हम तो लेंगे भी नहीं आपको। बेकार का टाइम वेस्ट करें हम लोग का। आपने कहा था कि आप ऑफिस में, आप ऑफिस में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं? मैं इस तरह गंदी आवाज में बात कर सकती हूँ? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम लोग मुर्गा बना रहे थे। टाइम देख के किया करो। ठीक है, अगली बार टाइम बता देना, टाइम देख के ही करेंगे हम। हेलो शालिनी, राइट? यस। हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम, आप बहुत खुश मिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स। थैंक यू। एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। ओह रियली? सो द थिंग इज दैट यू नो, आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। आई एम टू हॉट एक्चुअली, आई फील दैट। तब तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। जस्ट अ स्मॉल IQ टेस्ट दैट वी वांट टू टेक, अगर आपकी इजाजत हो तो। या गो अहेड। अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? दिस इज द IQ क्वेश्चन, आई रियली डोंट नो, सो सॉरी। आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? यस यस डेफिनेटली। तो साबु को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। ओके, सो आई विल आस्क यू वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कॉफी में एस्प्रेसो आती है एंड लैटे आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? आई थिंक मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर अपने आप रेज हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? डू यू नो दैट? हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई अभी तक। हाँ यू गाइस थिंक आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के लिए? यू गाइस थिंक दैट शी विल बी अ मॉडल? अरे नहीं यार, आई एम टॉकिंग टू अ वेरी पोलाइटली, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है, वो मुझे पूछ रही है, शी इज हॉट सर, वाले सवाल पूछ रहा हूँ, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके, वी फाइनलाइज यू, वी फाइनलाइज यू, डोंट वरी, IQ नहीं है चलेगा। या व्हाट डू मीन बाय IQ नहीं है? शी इज हॉट सर, हाउ कैन यू से दिस टू मी, IQ नहीं है? आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड ये एंड ऑल, सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PERSONIFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो बोल कौन रहे तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज, तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज आप बोलना, बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है, सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता, सूरज भी शाम की तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि नाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय गॉड। लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं matrimony.com से कॉल कर रहा था, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव, वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है, वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है तीन पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना, सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको जा खैनी का शौक था, तुमने मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है?
हेलो आकाश नाम है। हाँ जी, पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा, कुछ कुछ कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुकटुकू लगा के बोलना दरवाजा बंद करके सोया करें। अच्छा पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग। एक और है, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे ऐसे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे ग्रह बोलवा रहे हैं तुमसे। अरे तुम्हारी आ रही है चार्टो भतार है, तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था, 4 ऑप्शन दे दो हमारे बाप के नाम का दो। जी आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है, काहे बोलते है इतना? जानते मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। मारेंगे आकाश जी नमस्कार, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार हमारा काट लिए, हमारा काट लिए, ये ना आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं, बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करें और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा, क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है, हाँ पूछो बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर एक दबाएं। पहला मुहावरा है अपने किए कराए पर डैश फेर देना, पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए कराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है, ये कौन है? हेलो कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर, 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा लेकिन कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? बेटा क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना, अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए कराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा? अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है? गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। अबे दाब चला बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से, अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा, मुहावरा की पहले बताओ कौन है? एक मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे, मैं इसको समझा लो पहले। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, एक अनार कितने बीमार? एक अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए कराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे। तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर, समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए? 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो जल विभाग से बात कर रहे हैं। जल विभाग से? हाँ बताएं, क्या काम है? मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जिसने बताया, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं, नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मग्गे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए, देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना हमारे बच्चों। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे। टट्टी करने कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए कराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे, अपने किए कराए पर पानी फेरा है कभी? करके तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा
कौन बोल कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। एक दोस्त का नाम बताओ। गिनती के आपके तीन चार दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑनियर होगी सर। हेलो, पूर्वी जी से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी जी जी, तो मैंने उसके लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। मैडम इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं? आप थोड़ा काम वाम कर रहे हैं ना घर का जी, तो। मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था, कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा, मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी जी, एकदम एकदम तैयार हूँ। आप बात, मैडम मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा, आपको मिला कुछ नहीं है। बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना? तो हमने आपको एडवांस बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत है आपको फोन करने की? आपसे बड़ा पहले ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? यू नो फाइनली इट्स हैपनिंग, आई एम गोइंग टू यूरोप, प्राग, वियना, ऑस्ट्रिया, म्यूनिक। मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था। आई हैव सो मेनी प्लान्स, यू सी, शॉपिंग, खाना, लोकल फूड। और पता है मैंने डिसाइड किया है कि एवरी पिक्चर दैट आई पोस्ट आई विल टैग यू। आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे ही आ गए, बस बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला। कॉल ही क्यों कर रहे हैं जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है, उन्होंने कॉल करा, मैंने कहा कॉल करा है कि नहीं बताइए। बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड। आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? रहो एक्साइटेड, रहो भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल पागल कहीं के। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि आप विनर नहीं है। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, आप मुर्गा है आप। हेलो जी, आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो। हाँ भैया, कल आप रात को मेरा गाड़ी में बैठे थे, याद है हम आपको? कैसे फोन किया? मैं बोल रहा था भैया, आप जो कल गाड़ी में खोज रहे थे, मिला आपको? नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं खोज रहा था। आप तो जैसे ही बैठे थे गाड़ी में तब से लेकर के घर जब तक ड्रॉप किया तब तक आप खोज ही जा रहे थे, मिला नहीं आपको? नहीं यार, मैं अच्छे से याद है, मैं तेरी गाड़ी में कुछ नहीं खोज रहा था। नहीं याद है, हम याद दिलाए। तो ऐसा है ना भैया, आप कल रात को नाक में उंगली डाले थे। हाँ भी बोल रहा है। किसको बोला? मैं बोला अमीर आदमी, ठीक है? मार के ना गंदा कर दूंगा, ध्यान रखियो बात। तो ये जो आप नाक में उंगली डाल करके खोज रहे थे वो मिला कि नहीं मिला आपको? तूने ये बोलने के लिए फोन किया मेरे को? हाँ। बैलेंस फ्री है क्या? ये डिस्कस क्या कर रहा मेरे से? मेरा तो भैया मैं ना तो कॉलिंग फ्री है। मेरी उंगली जहाँ मैं करूँ तेरे को उससे क्या दिख रहा है? वो मेरी गाड़ी में बैठ के करोगे तो हमको तो तकलीफ होगी ना भाई। यहाँ ध्यान रख, तेरी पढ़ दूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। फोन रख, चल। हेलो सर, आप कमाल है सर। कौन बोल रहा है? आदमी लिचर टाइप हमने देखा नहीं है सर। क्या बोला भाई? आपने कल रात को कोई गाड़ी ली थी? अबे सर, आपने छोटे छोटे गोले ये लेदर की सीट पर जो चिपकाए हैं। अब क्या बोले जा रहा है? गाड़ी हमारे पास में सफाई में आई थी तो सफाई करी तो पैसे आपसे लेंगे, तो आपने जो छोटे छोटे गोले चिपकाए थे ना सर, आर्टिस्टिक। तुम लोग बंद करोगे? तेरी गोला बारूद डाल दूंगा मैं, बता रहा हूँ। और एक बात बताइए, जो गाड़ी के कांच पे आपने चिपकाया है ऐसे लंबा सा, इस वो तो भैया मीनार लग रहा था। तीन तो और बना देते तो चार मीनार हो जाता। तू गाड़ी साफ करता है ना? मैं तेरे को साफ कर दूंगा, बता रहा हूँ। आर्टिस्टिक प्लेजर मिला भैया, अब आप इतना आखिर उसे लग रहा हूँ भैया? बहुत साबुन लगा है लेकिन पता है निशान अभी भी बना के रखे है बरकरार। अब मैं तेरे को साबुन के कुल्ले करवा दूंगा, तू फोन काट दिया, दिमाग खा कर रखा है यार।
আমি বিদ্যা বালন বলছি। আমি বিদ্যা বালন বলো, আপনি যে গাড়িটা পরিষ্কার করে রাখেননি, আপনি যে গাড়িতে চিপকে চিপকে এসছেন, এই ট্যালেন্টটা আপনার কিন্তু মাছিদের থেকেও বেশি ভালো ট্যালেন্ট। ঘর পরিষ্কার রাখুন আর খোলামে শৌচ করবেন না। তো আপনি এসে চিপকায়া কেউ গাড়ি কে কাজ পে নাক মে উঙ্গলি ডাল কে এত কি করতে আছি। सौरभ जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफ 93.5 से, और हमें उस कैब ड्राइवर ने आपका नंबर दिया जिनकी कैब में आप कल गए थे और आपने पूरे रास्ते इसकी हेलो जितेन जी, हाँ जी जी, मैं की तरफ से बात कर रहा था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, मोबाइल खरीदो करोड़ रुपए जीतो, ऐसा कुछ दिन पहले मोबाइल फोन खरीदा था हमारी तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, लिया था। आप जितेन ही बोल रहे हैं ना? जी जितेन मेरा नाम था, मैंने जस्ट रिसेंटली चेंज कराया है, हितेश करवाया अपना नाम। जितेन से आपने हितेश करवाया? हितेश करवा लिया है जी, मतलब ऑन पेपर पूरा? जी जी, मेरे पास एफिडेविट है, मैंने प्रोसीजर के वाइज उसको चेंज करवाया। मैं आपको खुशखबरी देने वाला था लेकिन अब देकर के तो कोई फायदा ही नहीं है। सर मेरा नाम जितेन ही है, मेरे पास एफिडेविट है उसका, अभी मैंने जस्ट रिसेंटली चेंज। अब तो नया नाम आपका हितेश है ना? हाँ जी सर, लेकिन मेरा हाँ जी, तो हमने जो चेक बनाया था आपका 1 करोड़ का 33% डिडक्ट करके, वो तो जितेन के नाम पे है। क्या 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 क्या, क्या 1 करोड़? जी, ओ माय गॉड, आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। 1 करोड़? थैंक यू फॉर द न्यूज़ सर, आई एम सो हैप्पी। 1 करोड़? जी, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं अब वो। व्हाई? क्योंकि अब तो आप जितेन है नहीं ना, आप हितेश हैं। जितेन मेरा ही नाम है, मैंने उसको चेंज करवाया है हितेश के नाम पे, मेरे पास एफिडेविट है और मेरे पास पूरी ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई। लेकिन हमारा जो चेक है वो जितेन के नाम पे है, लेकिन आपका नाम हितेश है। अब मैं कह रहा हूँ आपको, नाम चेंज करवाया मैंने, आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट पेपर है मेरे पास प्रूफ करने के लिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ पेपर। चेक पर हमने जो नाम लिख दिया है वो फुल एंड फाइनल है। सर ऐसा करता हूँ ना, फिर मैं वापस हितेश से जितेन करा लेता हूँ, कोई लंबा प्रोसीजर थोड़ी। तो वो तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि पहले आप हितेश थे, हितेश से आप जितेन हो रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। ये जितेन जो आप हो रहे हैं वो खाली चेक लेने के लिए हो रहे हैं। अब तो टेंशन देने वाली बात कर रहे हैं आप, बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस तरह से कोई करता है क्या? मैंने जीता है लकी ड्रॉ में, वो जीता है, वो प्राइज मेरा है। आपने नहीं, जितेन ने जीता था। अरे अरे सर, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। आपको देना है कि नहीं देना है? क्यों समझे आपकी बात, जब आपने नाम चेंज कराया, आपने एक बार भी सोचा नाम चेंज कराने से पहले? तेरी दिमाग की दही ना कर सवेरे सवेरे। अब जो हमने सोचा था ना इनको 1 करोड़ रुपए देने का, वो भी नहीं देंगे रे, निकाल ले, साइड कर ले, साइड कर ले, वापस रख दे, चेक कर लो साइड में। अरे यार ऐसा मत कर यार, मेरी तो अभी आपने गाली दी मेरे को। अरे माफ कर दे भाई, मेरे पैर पकड़ लू, तेरे पैर पकड़ लू, चल दे दे मेरे भाई, ऐसा मत कर। डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, नाम चेंज करा रहा हूँ, और क्या नहीं, करूं? नहीं हो पाएगा सर, आपने जितेन का हितेश करा लिया। अब अगर आप हितेश से जितेन कराएंगे तो पहले आप हितेश थे, हितेश से आप जितेन हुए, तो वो हम आपको चेक नहीं दे सकते। आप बताओ, एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं वापस जितेन बन के आता हूँ बस। नहीं तो आप जितेन बन के आएंगे, लेकिन पहले तो आप हितेश थे ना, चेक नहीं हो पाएगा आपका क्लियर। ले ली तुम लोगों ने सभी। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, अपन मुर्गा बना रहे थे। हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं? तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी को, तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दे ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो? और तो और, झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना, ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। पहले अपनी को देखा निकल करके। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ, पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के सामने। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके का हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखते हैं हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हाँ? इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए, पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता मेरी बीवी नहीं है माइक? अरे सर हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में तो झूला लगाते हैं सर, इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो तुम लोग सबसे घर के सामने झूला लगवाएं।
हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई, नहीं आपके घर के बाहर झूला तो लगता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके